अगर हम ये चाहें कि रूहानियत को एक लफ्ज़ में समेट नहीं, तो वो लफ्ज़ है गुरु, वो लफ्ज़ है मुर्शिद, वो लफ्ज़ है मास्टर। क्योंकि गुरु जिंदा जावेद चलता फिरता प्रभु होता है, और वो खुद तो प्रभु से मिला हुआ होता है, प्रभु रूप होता है, और हमें भी प्रभु से मिलाने की क्षमता रखता है। जब से ये संसार बना है, संत महात्मा ऋषि मुनि वली अला पैगंबर औलिया गुरु साहिबान और जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, सब इसी बात पर जोर देते रहे हैं कि ये जो मनुष्य का चौला है, ये बड़े भागों से मिलता है। इसे नरनारायणी देह कहते हैं, अशरफुल मखलूकात कहते हैं, क्राउन ऑफ क्रिएशन कहते हैं, क्योंकि इसी चौले में हमारी आत्मा का और परमात्मा का मिलाप हो सकता है और हमें हमेशा की मुक्ति मिल सकती है। और इस इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि हम अपने आप को जानें और प्रभु को पाएं। मगर प्रभु को हम तभी पा सकते हैं जब हम किसी ऐसी हस्ती के मुबारक कदमों में पहुंचें जो खुद प्रभु रूप है, जो प्रभु से आत्मा और परमात्मा के मिलाने का मिशन लेकर इस संसार में आई है। गुरु ही सबसे बड़ा बेनिफिक्टर है। कबीर साहब ने कहा है, गुरु समान नहीं दाता जग में, और यही गुरबानी में भी आया है कि गुर तुल होर न लब ही खोज डिठा ब्रह्मन, कि मैंने सारे संसार का, सारे ब्रह्मन का जायजा लिया है और उससे ऊपर भी खोज की है, मगर मुझे सबसे जो अजीम हस्ती मिली है वो गुरु की हस्ती है। क्योंकि जो गुरु होता है वो जीता जागता खुदा होता है, और दुनिया में सबसे बड़ा दाता वही है। क्योंकि जो दुनिया के बाकी दाता हैं, कोई अमीर आदमी है वो हमें कोई दौलत दे सकता है, कोई डॉक्टर है या हकीम है या वैद्य है हमें हमारी चिस्त भी कोई दवाई दे सकता है, कोई और उस्ताद है तो हमें इल्मे सीना नहीं दे सकता, इल्मे सफीना दे सकता है, मगर जो गुरु है वो तो हमें अमर कर देता है, जाविदानी बना देता है, लाफानी बना देता है, इमॉर्टल कर देता है, इटर्नल बना देता है, और हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप करा देता है, ताकि ये जो 84 लाख जियाजू का चक्रव्यूह है यह हमारे लिए खत्म हो जाए। रूहानियत का एक जरूरी असूल ये है कि लव एमिनेट्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ द बिलव्ड, इश्क अव्वल दर दिले माशूक पैदा मिश्वर, और वो अपनी जब प्रेम की रेडिएशन की श्वाएं
बीतता है तो हमें प्रेम के रेशमी धागे में बांधकर अपने चरणों में ले आता है और फिर वो तो रूहानियत के खजाने लाता है, उन्हें दोनों हाथों से लुटाता है। वो हमारे गुनाहों की तरफ नजर नहीं करता, वो हमें नामदान की बख्शिश दे देता है। और जो नाम की बख्शिश ही ऐसी बख्शिश है कि जिससे हमारा कल्याण हो सकता है, और नाम की तारीफ भी यही की गई है कि नाम दान धुन धुन जानी है अकत कहावेश्वर, कि नाम उस क्रिएटिव पावर का नाम है, उस क्रिएटिव पावर को कहते हैं जिससे ये सारे खंड ब्रह्मांड बने। ये कहा जाता है कि प्रभु पहले अकेला था, वो महाचेतनता का समुन्दर था, उस वक्त और कोई नहीं था। फिर उसे जब ख्याल आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो एक वाइब्रेशन हुई, एक फ्लोर उठी और उसने दो सूरतें अख्तियार की, एक ज्योति की एक सूरती की। इन दोनों नियमतों को मिला के हम नाम कहते हैं। और ये जो नाम है इसे हर वली आला ने अपनी अपनी जबान में बयान किया है। सेंट जॉन से वर्ड कहते हैं, हमारे प्राचीन वेद भगवान इसे ज्योति और श्रुति कहते हैं, नाद कहते हैं, उपनिषद ने उद्गीत कहते हैं, गुणवाणी में इसे शब्द कहा गया है, हरि कीर्तन कहा गया है। जो जोरास्ट्रियन हैं इसे सरोषा कहते हैं, बुद्ध स्पाइस ने सोनर लाइट कहते हैं। इसी तरह से थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले इसे वॉइस ऑफ साइलेंस कहते हैं। तो यही जो नाम की दौलत है, यही वो सोर्स है कि जिससे ये सारा संसार बना है। पहले रूहानी मंडल बने, फिर इंसान बना, और बाकी धीरे धीरे दूसरे जितने भी जो कुर्रे हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ये बने हैं। और धीरे धीरे 84 लाख जून जो है वो जहूर में आई। और जब से ये संसार बना है हम इसी आवागमन के चक्कर में तनासिक के मसले के मुताबिक ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल के सिलसिले में दुख झेल रहे हैं। हम वापस जाके प्रभु में आज तक लीन नहीं हो सके, मगर जब प्रभु ये चाहता है किसी आत्मा को जो उससे मिलने के लिए बेकरार है, बिलक रही है, खिसक रही है, अपने से मिला ले, तो वो खुद इंसानी जामा धारण करके इस संसार में आ जाता है। और ऐसे ही इंसानों के मुतल्लिक कहा गया है कि मन खुदारा आशकारा दीदाम दर सूरते इंसान खुदारा दीदाम, कि मैंने प्रभु को ज़्यादा ज़रूर देखा है और इंसान के जामे में मैंने खुदा को देखा है। या यूं कहा जाता है कि खुदा का नूर मुर्शिद में भला मालूम होता है,
ये आईना वो है जिसमें खुदा मालूम होता है। या जैसे क्राइस्ट ने कहा है बिहोल्ड लॉर्ड, नानक साहब ने फरमाया है नानक का पातशाह जिसे जाना। बुल्ले शाह ने कहा है कि मौला आदमी बनाया। तो हर प्रभु के प्यारे ने अपने अपने लफ्जों में इसी हकीकत का इंकशाफ किया है, इसी सच्चाई को पेश किया है। और वो जो नाम की दौलत है वो श्रुति और ज्योति की दौलत है, क्योंकि अगर हमारी आत्मा परमात्मा से जाके मिल सकती है तो वो ज्योति और श्रुति के लिए ही मिल सकती है। और ये जो ज्योति और श्रुति का रास्ता है इसमें ध्यान या तसव्वुर या कंटेम्पलेशन पर बहुत जोर दिया जाता है, क्योंकि अब जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमारे सामने अंधेरा है, मगर अगर हम आंखें बंद करें और गुरु का स्वरूप हमें नवाजना शुरू कर दे तो फिर रूहानियत के रास्ते में कोई रुकावट नहीं रहती है। मगर जहाँ तक तसव्वुर का ताल्लुक है, इसे हमारे हजूर पुनू संत कृपाल सिंह जी महाराज ने बड़ी बारीकी से बड़े सूक्ष्म अंदाज से बयान किया है। वो फरमाया करते थे कि हम आमतौर पर जब ध्यान करते हैं तो हम अपने दिल में ये सोचते हैं कि हमारे मुर्शिद की दाढ़ी कैसी है, उसके कपोल कैसे हैं, उसके कपोल पे जो तिल है वो कितना चमकदार है, उसकी जो आंखें हैं नरगसी आंखें वो किस तरह से प्रभु की मस्ती में सरशार हैं, उसकी पलकें किस तरह से दिल को मोहित करती हैं, उसकी जो भवें हैं उनके इशारों पर जो उनके मुरीद हैं जो चाहने वाले हैं वो किस तरह नाचते हैं, उनका मस्तिष्क जो है वो कितना बड़ा है और उस पे लट लट करती हुई जो लकीरें हैं वो कैसे हमें प्रभु का रास्ता बताती हैं, वो कैसे दस्तार बांधता है। और इस तरह से उसके बाकी जिस्म का भी वो एक सरापा बनाता है। और इसमें वो बहुत कोशिश से काम करता है, उसे बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। मगर एक तो जो ऐसे वो गुरु का सरापा बनाता है तो सबूर करता है, उसमें उसकी एफर्ट का हिस्सा है, उसकी कोशिश का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है कि जब वो ऐसी प्रभु की तस्वीर बनाता है तो उसमें उसकी कल्पना का भी दखल होता है। मगर जो रूहानियत का रास्ता है ये तो एफर्टलेस एफर्ट का रास्ता है। और इस सिलसिले में हमारे हजूर पुरनूर खुदा का लफ्ज का हवाला दिया करते थे कि खुदा वो है जो खुदा जाए। और जहाँ तक तसव्वुर का ताल्लुक है वो बताया करते थे कि जब गुरु और शिष्य का दिल से दिल, आंखों से आंखों और रूह से रूह
में एक रास्ता बन जाता है। जब शिष्य का गुरु से अथाह प्रेम हो जाता है, इश्क हो जाता है, जब शिष्य के रुएं रुएं में गुरु का जो प्रेम है वो समा जाता है, तो तब गुरु का सरापा खुद ब खुद उसके सामने आ जाता है। वो तो खुदा है, वो खुद आता है। और असली तसव्वुर तभी होता है जब प्रभु का सरापा खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली हमारे सामने आ जाए, ना उसमें कोई एफर्ट को तल्लक होता है, ना उससे हमारी इमेजिनेशन का ताल्लुक होता है। तो ये तो इश्क का मामला है। और जो खुश नसीब ऐसे हैं कि जो गुरु के रूबरू जब बैठते हैं तो उसमें खो जाते हैं, उसकी आंखों में खो जाते हैं, उसके मस्तिष्क में खो जाते हैं, उसके सारे मुकम्मल सापे में खो जाते हैं। और जब वो उनकी महफिल नाश से उठते हैं तो उनका ये आलम होता है कि तेरी महफिल नाश से उठने वाले निगाहों में तुझको लिए जा रहे हैं। और हमारे हजरत नूर समाया करते थे कि ऐसे शिष्य के दोनों हाथों में लड्डू हैं, आंखें खोलता है तो गुरु के दर्शन करता है इस जिस्मानी आंखों से, और आंखें बंद करता है तो अपनी अंतरी आंखों से गुरु के दर्शन करता है।